अरुणाचल प्रदेश, या यूं कहें कि उगते सूर्य के पर्वतों की धरती या ऑर्किड फूलों का राज्य, यह भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो अपनी सीमा पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में असम और पूर्व और दक्षिण पूर्व में नागालैंड से साझा करता है। देश में अरुणाचल प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल के मामले में 15वां और जनसंख्या के मामले में 27वां है। राज्य में अभी कुल 25 जिले हैं और आने वाले समय में और जिलों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्य की राजधानी ईटानगर है, जो कि पापुमपारे जिले में स्थित है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़े अरुणाचल प्रदेश को शिवालिक पर्वतों ने घेर रखा है। पर्वत श्रृंखलाएं एवं पहाड़ी इलाके और इनमें से बहती नदियों द्वारा बनाई गई घाटियां राज्य की विशेषताएं हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं राज्य को कामेंग, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र या सियांग, लोहित और तिराप नदियों की घाटियों में बांटती हैं। इन सब में सबसे प्रभावशाली है सियांग नदी, जिसे तिब्बत में त्सांगपो नाम से जाना जाता है और आगे जाकर इसी नदी को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। हिमालय की जो श्रृंखलाएं राज्य के पूर्व तक फैली हैं, वे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती हैं और फिर जो दक्षिण में गई हैं, वे म्यांमार से अलग करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है, जो कि मेघालय के बाद पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा है, जिस कारण से अरुणाचल प्रदेश के जंगल काफी समृद्ध हैं, जो कि जीव जंतुओं, वनस्पतियों की ढेरों प्रजातियों और कई आदिवासी सभ्यताओं को पनाह देते हैं। राज्य के निचले इलाकों में, जैसे कि असम के सीमाई इलाकों में, ब्रह्मपुत्र घाटी के अर्ध सदाबहार वन हैं, जिन्हें ब्रह्मपुत्र वैली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। हिमालय की तलहटी और पटकाई पहाड़ियों के साथ राज्य के एक बड़े हिस्से में पूर्वी हिमालय के पृथुपर्णी वन यानी ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उत्तर की ओर ऊंचे होते हुए इलाके के साथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिमालय के ऊंचाई पर पाए जाने वाले शंकु वृक्ष वन यानी ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट हैं, एवं और ऊंचे इलाकों में पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पर मिलने वाली झाड़ियां और घास पाई जाती है, जिन्हें ईस्टर्न हिमालयन अल्पाइन श्रब एंड मीडोज कहते हैं। साथ ही राज्य में कहीं कहीं घास के मैदान व बांस के जंगल भी पाए जाते हैं। राज्य में कई संरक्षित जगहें हैं, जैसे दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदफा टाइगर रिजर्व, सहसा ऑर्किड सेंचुरी और जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सभी। तमाम तरह के ऑर्किड फूल, फर्न, बुरांस, बलूत, बांस, गुलाब कावली, बैत और कई तरह की जड़ी बूटियां राज्य में पाए जाने वाले हजारों तरह के पेड़ों में से कुछ हैं। हाथी, गौर, जंगली भैंसा, उड़ने वाली गिलहरी और उसी की तरह कई कृंतक यानी रोडेंट्स, बाघ, तेंदुआ, सुनहरी बिल्ली, कई तरह के बंदर, भांति भांति के अनोखे पक्षी और ना जाने कितने जीव राज्य में पाए जाते हैं। राज्य में भूमि की आकृति और ऊंचाई में जगह जगह अंतर होने के कारण जलवायु में थोड़ी विविधता दिखाई देती है, जो कि भूमि के अनुरूप उप उष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल से लेकर शीतोष्ण यानी टेम्परेट तक बदलती है। यदि निचले इलाकों की बात की जाए तो वहाँ की जलवायु गर्म और नम होती है, जहाँ गर्मियों के मौसम में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में औसत तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। राज्य के मध्यवर्ती इलाके में जलवायु बहुत कुछ ठंडी है, जो कि ऊंचे इलाकों में अल्पाइन का रूप ले लेती है। अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है और पूरे राज्य की सुंदरता देखते ही बनती है। परशुराम कुंड, नामसाई का सुनहरा पगोड़ा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, रोइंग चिड़ियाघर, जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय, पांगसो दर्रा, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण, तेजू नदी, चांगलांग, भीष्मक नगर, बैरब कुंड, जयरामपुर, विजोय नगर, चोखम, सातेंग वन्यजीव अभ्यारण राज्य में घूमने योग्य जगहों में से कुछ हैं। हालांकि देखा जाए तो पूरा राज्य ही घूमने योग्य है। और ऐसे सुंदर राज्य के इतिहास के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो होगी अरुणाचल प्रदेश के इतिहास पर। काम अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।